नवरात्रि के बारे में आज मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। नौ दुर्गा के नाम बताऊँगा, नौ दुर्गा कौन है उनके बारे में बताऊँगा, नवरात्रि हम कब मनाते हैं, नवरात्रि कब आता है, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। उससे पहले ये प्यारा सा भजन सुन लीजिए। और जो 10 दिन की पूरी है नवरात्रि प्लस रामनवमी, तो आप ये वीडियो देखना ना भूलिएगा। और इसके दो पार्ट और आने वाले हैं माँ दुर्गा के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नौ रातें। इन नौ रातें और 10 दिन के दौरान देवी के नौ रूप की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में चार बार आता है, पौष, चैत्र, आषाढ़, अश्विन मंथ में आता है। नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि के नौ रातों में तीन देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के नौ स्वरूप की पूजा होती है, जिनके नाम और स्थान क्रमश मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली माता शैलपुत्री, इनका अर्थ पहाड़ों की पुत्री। ब्रह्मचरिणी, इनका अर्थ ब्रह्मचरिणी ही है। चंद्रघंटा, चांद की तरह चमकने वाली। कृष्णमांडा, इनका अर्थ पूरे जगत उनके पैरों में। स्कंद माता, कार्तिक स्वामी की माता। कात्यानी, कात्यान आश्रम में जन्मी। कालरात्रि, काल का नाश करने वाली। महागौरी, सफेद रंग वाली माँ। सिद्धदात्री, इनका अर्थ सर्व सिद्धि देने वाली। तो दोस्तों मंदिर में स्थित माता की नौ मूर्तियाँ दिखा दी और उनके नाम बता दिए। तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको, नौ माताओं के जो जगह है जहाँ पे आप घूमने जा सकते हैं, जो बहुत ही प्रमुख है, माता वैष्णो देवी जम्मू कटरा, माता चामुंडा देवी हिमाचल प्रदेश, माँ वजेश्री कांगड़ा वाली, माँ ज्वालामुखी देवी हिमाचल प्रदेश, माँ चिंतापूर्णी ऊना, माँ नैना देवी बिलासपुर, माँ मनसा देवी पंचकुला, माँ कालिका देवी कालका, माँ शाकंभरी देवी सहारनपुर। ये नौ माताओं के जो प्रमुख स्थल है और उनके जगह के बारे में मैंने बताया। और अगला वीडियो मेरा दुर्गियाना टेम्पल जो आपको सामने दिख रहा है, तो दोस्तों आप अच्छे से दर्शन कर लीजिए माता जी का, जो 700 साल पुराना मंदिर है, और मन्नत मांग लीजिए।